ये खोल के नहीं रही है। ये वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रही है? हाय बीएमडब्ल्यू, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है? अरे क्योंकि ये बीएमडब्ल्यू हाई नहीं। तो ये क्या है? ये क्या हुआ? कहाँ गई भाई बीएमडब्ल्यू? ये मिनी वैन है। आपने बीएमडब्ल्यू बेच के मिनी वैन क्यों ले ली? मैंने गाइस, हमारी बीएमडब्ल्यू को क्या हुआ और हमारे पास मिनी वैन कहाँ से आ गई है? चलो बात करते हैं इस वीडियो में। टन टन है। तो ये है गाइस हमारी मिनी वैन। पिछले डेढ़ हफ्ते से हम लोग ये कार चला रहे हैं। मैं क्या दिखा दूँ ज़रा आपको पहले, और इस कार का भी हल्का सा टूर दे देता हूँ। बाय द वे एरिजोना का नंबर है। कैलिफोर्निया से आए हुए हम लोग एरिजोना की गाड़ी चला रहे हैं टेक्सास के अंदर। वाह। तो ये है हमारी मिनी वैन, डॉज की मिनी वैन है। तो गाइस क्या हुआ हमारी कार को? हुआ कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं, रेत का पहाड़ बना रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो कार में आ गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम। वो क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे तो चूहे वाली भी कुछ होता है इसमें या नहीं? चूहा नहीं, जैसे खोदा खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ तो यही है बेसिकली इस वीडियो में। क्लिकबेट नहीं है, मैं टाइटल में लिख दूंगा ऐसा क्यों। तो गाइस हम लोग, हमारी कार में आ रही थी प्रॉब्लम थोड़ी सी। एक उसका पार्ट था वो ख़राब हो गया था, और पता नहीं कार चलते ना नॉइस ही कर रही थी। तो हम उसको जानबूझ के पूछा है, क्योंकि राजित आजकल वो डेमो देता है, नॉइस डेमो देते हैं ना। डेमो देता हूँ ना मैं नॉइस का। तो नॉइस आ रही थी उसमें से, तो इसलिए हम लोग उसको सर्विस सेंटर पे दे आए हैं। और सर्विस सेंटर वाले लोनर कार देते हैं अगर टाइम देते हैं सर्विस करने में तो। बट बीएमडब्ल्यू वाले आपको डॉज की वैन क्यों देंगे? तो गाइस क्या हुआ, वो तो दे रहा था मुझे बीएमडब्ल्यू, कहता एक घंटा वेट करो, एक घंटे बाद मिलेगी। मैंने आधा घंटा तो वेट किया, मैंने कहा और नहीं हो रहा, मेरी मीटिंग भी थी एक्चुअली वर्क डे पे, वीकडे पे मैं देखे आया था कार को। मैंने कहा और नहीं हो रहा, जो भी कार है मुझे दे दे प्लीज़। तो मिनी वैन उसके पास रेडी थी, मैं मिनी वैन ले आया हूँ। तो शिल्पा, मिनी वैन लेके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बकवास लग रहा है। आई मीन अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हम दो जने हैं सिर्फ, हम दो जने हैं, मिनी वैन चला रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे में क्या किया जा सकता है, चलो ऊबर ऊबर चला लूँ क्या? बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, पैसेंजर बन जाएंगे, या फिर आसपास के यू नो आसपास के पड़ोसियों के बच्चों को स्कूल से ले आया करूँगा। क्या बोलते हो, मिनी वैन है ना, ऐसा काम करना चाहिए। शिल्पा तो ये जब आए तो मैंने ना पहले से फोन करके पूछा, ले ली लोनर कार? हाँ मिल गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं इतने एक्साइटेड गैराज खोला, ये क्या उठा रहा है? तो बस चलो आपको क्विक इसका ना अंदर का दिखाता हूँ क्या क्या है फीचर है इसके अंदर। चलो फिर अंदर चले। ओ ओ कीलेस एंट्री तो है ही नहीं, तो चलो फिर इसको मैनुअल अनलॉक करना पड़ेगा। मैनुअल अनलॉक करके अंदर चलते हैं। तो गाइस आपको मिलेगी लेदर सीट। लेदर सीट तो अच्छी है, इसमें ये फीचर अच्छा हीगा। वैसे रेंटल कार है तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक वर्जन होगा, तो ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस कार से। बट ऑटो लाइट्स हैं विच इज़ गुड, और कार में स्टीयरिंग पे थोड़े बहुत इसके क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन है, क्रूज़ कंट्रोल है, एसी वगैरह तो सब में होता है आजकल। हल्का सा टच स्क्रीन ये भी है यहाँ पर। बाकी स्पेशियस बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली मिनी वैन है तो तीन सीटर कार है, तो बीच में बैठो पीछे बैठो। बडी को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि बडी के लिए मज़ेदार नहीं है सीट। बट कुछ टाइम की बात है, काम चला रहे हैं हम लोग, बहुत स्पेशियस है। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ कार्गो और वो लोड करना शुरू कर दूँ। चलो इसका ना ये वाला डोर खोलते हैं, ये बड़ा मस्त खुलता है, स्लाइडिंग डोर है, हल्का सा लॉक अनलॉक करो अपने खुल जाता है। स्पेशियस बहुत है यार, बस यही चीज़ अच्छी लग रही है मुझे। बडी के बाल ऑब्वियसली हमने भर दिए हैं क्योंकि बडी को हम डॉग पार्क लेके जा रहे हैं इसमें, तो जब वो क्लीन करेंगे मज़ा आएगा। रेंटल कार है, मुझे क्या, करेंगे अपने आप क्लीन। बट स्पेशियस है, बंद भी बड़ा मस्त होती है। टिंग टिंग। चलो इसका इसका ट्रंक दिखाता हूँ आपको, खुल जा भाई। ओ ओ खुलना पड़ेगा। इससे याद आया मुझे म्यूज़िक से, इसके अंदर अगर आप कार चाबी लगी भूल जाओ ना तो बड़ा मस्त म्यूज़िक बजाती है, आपको सुनाता हूँ वो भी मैं। ट्रंक भी बड़ा डीप है और स्पेशियस है। तो इट्स अ वैन, वैन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, इट्स अ गुड कार, गुड स्पेशियस कार।
वो तो फैक्ट बस ये है कि हमें चाहिए नहीं थी बट मिल रही है, और बंद भी बड़ी मस्त होती है, रिमोट से ही बटन दबा दो बंद हो जाएगी। सामने बैठे हैं वो लोग अंदर गैराज में वेट कर रहे हैं। चलो मैं इसमें प्लग इन करता हूँ, तो ऑब्वियसली की जाती है यहाँ से। टिंग टिंग टिंग, इसके गियर बाय द वे यहाँ पर है आगे। वैंस में आई थिंक यही कॉन्सेप्ट होता है कि बीच में नहीं डालते वो लोग, तो गियर है इसका यहाँ पर, तो अभी मैंने पार्क कर रखी है। बट मज़े की बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं चाबी लगा हुआ भूल जाऊँ इसमें, छोड़ दूँ और गेट खोल के जाऊँ, तो देखना क्या मस्त टोन बजेगी, डांस करने का मन कर जाता है। टिंग 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 टिंग, मस्त टोन है ना। अच्छा भाई निकाल रहे हैं। तो ये था टूर हमारा, और शाम को चलेंगे इसी कार में डॉग पार्क। कहाँ कान खड़े हो गए बड़ी, कहाँ जाएगा बड़ी? डॉग पार्क कहाँ जाएंगे राजा? डॉग पार्क कहाँ जाएंगे? डॉग पार्क जाएंगे। अभी नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे, बाद में, बाद में, अभी अभी अंदर अंदर अंदर। बड़ी को पता है, बड़ी देखना पीछे के दो पैर है ना, आगे नहीं लाएगा, पीछे के दो पैर पीछे रहेंगे, पहले पहले पैर कहीं पे भी आ जाए। ओए बेइज्जती कर दी मेरी सबके सामने। चलो अंदर, चलो चलो अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ। तो इसको 1.5 हफ्ता हो गया चलाते हुए, एक्सेलरेशन वगैरह सही है, कोई बुरी नहीं है, और ठीक है, काम चल रहा है मेरा। एक कार के बदले दूसरी कार मिल गई है। BMW बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिस करूँगा। पर कुछ टाइम की बात है, मैंने कल मैसेज किया था उनको डीलरशिप को, तो मैंने पूछा भाई कब दे रहे हो कार, कहते भाई एक पार्ट मंगवाया है, पार्ट अभी आने में 2-3 दिन और लगेंगे। मैं चलो आई गेस मे बी मैक्सिमम 1 हफ्ता और, तो चलो हम लोग तब तक, यू नो, वी आर रॉकिंग द मिनी वैन दीज डेज। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैंने गाड़ी हटाई ही है तो वैक्यूम ही क्यों ना मार लूँ, बहुत डस्ट हो रहा है, बड़ी के बाल भी आ जाते हैं, सब जगह आ जाते हैं, खाली पड़ा है, वैक्यूम मार देता हूँ। वैक्यूम भी ले आया हूँ मैं, वैक्यूम देखो अभी ना कितना खाली पड़ा है, पर अभी वैक्यूम मार के जब कंप्लीट होगा ना, कितना देखना इसमें भी डस्ट हो गई बहुत सारी। ये बात है भाई, ये जो हमारे पास रखा है ना, ये डोनेशन के लिए रखा हुआ है हमने, ये पुराना कंफर्टर है जो कि अब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम सोच रहे हैं इसको डोनेट कर देंगे। टाइम नहीं मिल पाया डोनेट करने का, बस रखा हुआ है, ये बाहर रख के हमें बस एक इट्स काइंड ऑफ रिमाइंडर हमारे लिए कि भाई इसको डोनेट करो, डोनेट करो, इसलिए बाहर रखा हुआ है हमने। ये देखो कितने बाल आ गए हैं एक बार के क्लीनिंग से। बड़ी देख, देख तेरी क्यूटनेस, देख कितनी सारी क्यूटनेस है वैक्यूम के अंदर, देख बड़ी, देखी कितनी सारी क्यूटनेस थी, फिर से दिखाऊँ एक बार के वैक्यूम से। गुड बॉय, गुड जॉब बड़ी, ऐसे क्यूटनेस वेला फैलाता रहे अपनी। ओके चले भाई, डॉग पार्क में जाने का टाइम हो गया है, अपनी लैम्बोर्गिनी में चलेंगे। बड़ी आ जा, चलो बड़ी कम, लेट्स गो डॉग पार्क, आप बिना डॉग के नहीं जाना चाहिए ना डॉग पार्क, क्या बोलती हो? गुड बॉय, चलो घुस जा लैम्बोर्गिनी में, घुस जा अपनी। गुड बॉय, क्या पता ही कौन सी कार है, बड़ी की मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, बैठने की जगह नहीं मिल रही, बैठूं कहां इसको समझ नहीं आ रहा है। चलो लेट्स गो, शिल्पा बैठती है पीछे बड़ी के साथ, क्योंकि हमने अब इसमें ना वो है नहीं, लाइक मजा ही नहीं आ रहा वो। चलो ऊपर बैठ, बिठा लो, मजा नहीं आ रहा बड़ी को, डर रहा है, नीचे गोदी में बैठा लेना। हां गुदी वाली गुदी, गुड बॉय, चल बड़ी रेडी डॉग पार्क चले। और गाइस ये वीडियो एंड करते हैं, मुझे लगा था हमने, अच्छा शिल्पा को लगा था हमने ले रहा, अभी अभी तो वीडियो चल रही है। और गाइस वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो ये था सस्पेंस, नथिंग बिग डील, और आजकल हम अपनी लंबोर्गिनी चला रहे हैं, तो चलते हैं डॉग पार्क, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।